जय महाराष्ट्र मी वेदांगी नयन कर्णिक आपल्या सगळ्यांचा राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत करते या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्य वेध घेत असतो आपल्या भारतीय जे पॉलिटिक्स आहे तिकडे तर आपण डेफिनेटली लक्ष घालणारच आहोत आणि त्याचबरोबर अमेरिकामध्ये ज्या घडामोडी आहेत त्या देखील आपण या आजच्या शोमध्ये पाहणार आहोत अपल बर कमोडिटी मार्केट शेयर मार्केट कसल जाविष्य वेद करना आप पंडित राजकुमार शर्मा जी पंडित जी आपका इस शो में तहे दिल से स्वागत है धन्यवाद नमस्कार जी आप जिस तरह से भविष्यवाणी करते हैं जिस प्रकार से हमें बताते हैं हमें उत्सुकता होती है कि आज के जो इतने विशेष मुद्दे जो हम बात करने वाले जिसके ऊपर आप उसके ऊपर क्या कहने वाले ये जानने के लिए काफी उत्सुक है और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपने इलेक्शन में रिजल्ट्स होने के पहले ही बता दिए थे यूएस के बारे में कि जो बाइडेन ही राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे और वो बन भी गए और 20 जनवरी को अभी उन्होंने आ, मशाल हाथ में ले ली है अमेरिका की तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो पूरी तरह बाइडन पे है कि वो क्या करने वाले है कैसी चीजें होने वाली है तो अगर हमारे देश की बात करें भारत की बात करें तो हमारे देश के लिए वो कैसे साबित हो सकते हैं और क्या कुछ हमारे देश के और अमेरिका के जो रिलेशंस है पॉलिटिकल रिलेशंस वो कैसे हो सकते हैं नमस्कार सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तादाद में जिस तरह से लोगों ने इस प्रडिक्शन को अप्रिशिएट किया और मुझे लाखों की तादाद में कांग्रेचुलेट किया उसके लिए मैं आप सब दर्शकों का आभार प्रकट करता हूँ श्याम बाबा का मौला का और साई का आशीर्वाद जब मेरे साथ में होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भविष्यवाणियां जो हैं वो सच्ची हो जाती हैं आपको याद होगा कि हमने जब डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का अध्ययन किया था तो हमने ये प्रडिक किया था कि सबसे विफल सबसे फेलर अगर अमेरिका में कोई राष्ट्रपति होगा तो ये होंगे और इनको इम्पीचमेंट होगी दो बार उनको महाभियोग का सामना करना पड़ा अब आपने देखा कि किस तरह ये भविष्यवाणी हमने नवंबर में की थी दिसंबर में वापस की थी नॉट ओनली जो बाइडन की जो बाइडन के साथ में हमने कमला हैरिस का भी नाम लिया कि कमला हैरिस जो भारतीय है मूल की महिला है उनके पिता जमाइका से है माता जो है वो चेन्नई से है वो उपराष्ट्रपति बनेगी तो यहां का जो समीकरण हम देखते हैं उस समीकरण का खेल जो है साफ साफ नजर आया कि डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत होकर सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर उनके आंच आई और जिस तरह से उनको व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा आज तक अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं है जिसको इस तरह से व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा मीडिया ने यहां तक लिख दिया कि बड़े बेआबरू होकर अपने कूचे से हम निकले तो बड़े ए बे होकर उनको निकलना पड़ा और हमने ये भविष्यवाणी की हुई है कि कहीं ना कहीं जो बाइडन के सामने इन्होंने जिस तरह की हरकतें की और देश के लिए जिस तरह कैपिटल हिल में अपने लोगों को घुसाकर जिस तरह से हुरदंग मचाया उस हुरदंग को देखकर डेफिनेटली कई केसेस जो हैं वो ट्रंप के अगेंस्ट खुलेंगे और उनको आगे आने वाले दिनों में कष्ट होगा और जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है अब जो बाइडन साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 14 जुलाई उन्नीस सेंट लुईज में उनका जन्म हुआ वृषभ राशि है और अमेरिका की मिथुन राशि है जब जो बाइडन और कमला हैरिस की कुंडली का कंपेटेबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली ये कंपेटेबिलिटी भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगी सकारात्मक खबरें आपको वहां से मिलेंगी भारतीय मूल के डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट और जो बहुत देर से मिस्टर ट्रंप ने एच थ्री एच वन एच टू में तकलीफें पैदा की हुई थी वो तकलीफें भी आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी भारत के साथ में जो बाइडन के संबंध जिस वक्त उन्होंने शपथ ली उस शपथ की भी जब हम कुंडली बनाते हैं तो एक बात साफ साफ नजर आती है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं साथ में जो बाइडन और कमला हैरिस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो आपने दूसरे ही दिन जो बाइडन की स्पीच में बड़े वहां के चैनलों में सुना होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं चाइना का खंडन किया है भारत के साथ में उन्होंने संबंधों में प्रगाढ़ता होगी ऐसे शब्द यूज़ किए हैं तो ये साफ साफ नजर आता है और पहले भी जब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हुए हैं जैसे बराक ओबामा थे बराक ओबामा के साथ जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे अगर आपको याद है तो उस वक्त भी हमने कहा था कि मनमोहन सिंह के साथ में मिलकर जो बाइडन भारत के सॉरी बराक ओबामा भारत के साथ में बहुत अच्छे काम करेंगे और बहुत बड़ी सफलता भारत को मिलेगी और यहाँ तक हो गया था कि बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उन्होंने तो मनमोहन सिंह जी को गुरु मान लिया था क्योंकि अर्थशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता जो हैं मनमोहन सिंह जी हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई और एक नई दिशा दी थी अगर आपको याद होगा तो जो बाइडन जो है डेमोक्रेटिक प्रेजिडेंट हैं इस वक्त और भारत के साथ हम उनके संबंध जो हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल होंगे यहाँ तक कि अमेरिका की बहुत सी कंपनीज लाइक like, uh, mm, हमारा आईफोन है मैक्नाटोश है एप्पल है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं भारत में अपना व्यापार और अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगी और अमेरिका में भारतीय कंपनियां जो हैं फार्मास्यूटिकल बेसिकली भारत की जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अमेरिका में बहुत अच्छा काम कर रही हैं छोटी छोटी कंपनियाँ नहीं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अगर आप देखोगे डॉक्टर रेड्डी है लुपिन लेबोरेटरी है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर काम कर रही हैं और कई कंपनीज जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊँगा इधर सब बहुत सी कंपनीज़ को वहाँ पे बढ़ावा मिलेगा ओपनिंग मिलेगी और नरेंद्र मोदी साहब के साथ में मिलकर जो बाइडन एक नया इतिहास रच सकते हैं हमारे देश के लिए जो आपने सवाल किया जो बाइडन बहुत ही सकारात्मक साबित होंगे और एक बात सुंदर ये है कि यहाँ पर जो बाइडन जो है उनकी बुद्ध की महादशा चल रही है बुद्ध जो है मिथुन राशि का स्वामी है मिथुन राशि अमेरिका की है तो अमेरिका में जो करोना काल अभी तक अमेरिका और लंदन में करोना खत्म नहीं हुआ अभी भी वहाँ पे कुछ एरियाज में लॉकडाउन चल रहा है यूके में तो चल ही रहा है डेफिनेटली करोना में भी बहुत बड़ी रफ्तार से कमी आएगी जो बाइडन विल बी लकी फॉर अमेरिका एज वेल एज फॉर इंडिया एशिया में भी बहुत से ऐसे देश होंगे जिसमें जो बाइडन का बहुत समर्थन होगा और एक बात मैं यहाँ पर कहना मुनासिब समझता हूँ ज़रूरी समझता हूँ अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि जो बाइडन इज सफरिंग फ्रॉम टू टू थ्री डिजीजेस एक तो मेमोरी लॉस है दूसरा उनको पार्किंसन है माइनर है ये दोनों और प्रोस्टेट की यानी उनकी कुंडली के हिसाब से प्रोस्टेट की समस्या भी उनको हो सकती है इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मैं कमला हैरिस के बारे में आपको एक भविष्यवाणी करूंगा वो अब नहीं अगले हफ्ते इसलिए आप तैयार रहिए मगर फिलहाल जो बाइडेन विल बी वेरी लकी फॉर इंडिया विल बी वेरी सपोर्टिंग टू इंडियन कल्चर इंडियन कंपनीज इंडियन इंडस्ट्री इसलिए ये हमारे लिए एक शुभ समाचार है बिल्कुल जैसे आपने कहा पंडित जी इसके और हमारा ध्यान तो ऐसे ही रहेगा और जैसे आपने कमला हैरिस की बात की तो अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि जैसे बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तभी उनके वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे तो क्या आगे जाके एक और नया इतिहास रच सकता है जैसे अभी पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट यूएस को मिली है कमला हैरिस में और इंडियन ओरिजिन की है इसीलिए उनके ऊपर फक्र तो बिल्कुल हमारा है ही लेकिन उसके साथ साथ क्या आगे जाके प्रेसिडेंटशिप में हम कमला हैरिस को देख सकेंगे यूएस के लिए देखिए आपने अगले महीने का सवाल अगले हफ्ते का <laughs> सवाल अभी पूछ लिया ये बहुत ही सुंदर सवाल है आप एक बात का ध्यान रखिए जब हम कमला हैरिस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कमला हैरिस 1964 में बॉर्न हुई हैं यंग है स्मार्ट हैं और सेनेट हैं और कहीं ना कहीं साउथ एशिया की प्रेसिडेंट रही हैं अमेरिका का जो नेतृत्व करती रही हैं साउथ एशिया के लिए वो कमला हैरिस ही करती रही हैं इस वक्त एक बात चीज़ एक चीज़ को ध्यान में रखिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ ये दोनों जब हम इकट्ठी जोड़ते हैं तो कमला हैरिस नहीं है वो उनका नाम है कमला डुगलुस कमला हैरिस के इस वक्त जो वर्तमान पति हैं वो हैं डुगलुस जो कि यहूदी वर्ग से हैं और आज के दिन अमेरिका में अगर कोई सबसे बड़ी ताकतवर जाति है तो वो है इसराइली कम्युनिटी इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि जराइली कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी बहू हैं ये कमला हैरिस आगे आने वाले दिनों में दो यानी 24 से 28 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं सेहत को लेकर जो बाइडन को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और विद इन टू एंड हाफ टू थ्री ईयर मैक्सिमम टू एंड हाफ टू थ्री ईयर कमला हैरिस कैन टेक ओवर एज द फर्स्ट महिला एज द फर्स्ट वोमेन प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका ये बात मैंने अपने एक पहले कार्यक्रम में भी कही थी आज फिर रिपीट करता हूं कमला हैरिस की कुंडली में गुरु शनि गुरु मिथुन राशि के हैं शनि मकर राशि के हैं बुद्ध वापिस मिथुन राशि के हैं तो ये जो कंपेटेबिलिटी है प्लेनेटरी पोजिशन है ग्रहों की जो दशा दिशा है हुँ. वो कमला हैरिस को एक सामान्य स्त्री से राष्ट्रपति पद तक लेकर जाती हुई दिखाई देती है और डेफिनेटली एक टाइम था जब हिलरी क्लिंटन की हम बात करते थे मगर इस वक्त ये महिलाओं का समय है आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात यह अगले तीन साल तक महिलाओं को आप विश्व के उच्च पदों पर देखोगे अगर आप देखोगे तो अमेरिकन मॉनेटरी फंड की प्रेसिडेंट गीता गोपीनाथन है वो भी आगे जाकर कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका बनने के योग बनते हैं आज अगर हम अमेरिका की संसद देखते हैं तो वहाँ पे चीफ जस्टिस जो लेडी है वो सॉरी चीफ इकोनॉमिस्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी एक स्त्री हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में स्त्रियों का प्रादुर्भाव आप देखेंगे और उनके द्वारा जो सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी है वो आपको झलकेगी और बहुत ही अच्छा काम करेंगी कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं इस और उस दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां बताता हूं कि हम भारतीय मूल के लोग जो हैं ओम बोलते हैं और जो इजरायली हैं वो शालोम बोलते हैं तो अगर आप किसी भी सर्च इंजन में जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में ओम शालोम की जो युति बनेगी वो पूरे विश्व को हिलाकर रख देगी जी बिल्कुल आपने जैसे कहा ये आ, महिलाओं का समय है वो तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया आपने बात कही है और उसके ऊपर आपने जो धमाका फोड़ा है कि आगे जाके प्रेसिडेंटशिप के बारे में क्या कुछ चीजें हो सकती है इसके ऊपर हमारी नजर तो जरूर रहेगी पर आता सद्या वेड़ी है राजमंत्र मध्य का छोटा सा विश्रांति तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र

पिछले 20 से 25 सालों में शेयर मार्केट अर्थशास्त्र को नौ ग्रहों बारह राशियों सत्ताईस नक्षत्रों के साथ जोड़कर भविष्यवाणियां करता रहा हूँ और हर साल हम बजट के ऊपर आपका मार्गदर्शन करते हैं आज फिर जय महाराष्ट्र के इस मंच पर आपको बजट में क्या हो सकता है किस तरह की परिस्थिति हो सकती है बताता हूं एक फरवरी दो को बजट का दिन है सोमवार कन्या राशि कन्या राशि के स्वामी बुद्ध हैं बुद्ध इस वक्त जो हैं वो बहुत ही अच्छी परिस्थिति में शनि के साथ में बैठे हुए हैं शनि बुद्ध गुरु शुक्र बुद्ध इस वक्त दो दिन पहले मकर कुंभ राशि में शनि के मित्र हैं वो भी शनि की राशि या कुंभ राशि उसमें परिवर्तित हो चुके हैं और जब जब ये समीकरण आप देखोगे तो एक बात ध्यान रखिए कोरोना काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पाताल में चली गई है हमारी अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी थी वो उसकी भी हालत गंभीर थी इम्प्रूवमेंट अभी पिछले कुछ महीनों में चार महीनों में बीस से पच्चीस प्रतिशत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में जीडीपी में इम्प्रूवमेंट हुई है मगर यह बजट भारतीय बजट जो है इसमें बुद्ध पॉजिटिव है गुरु सूर्य शनि शुक्र कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं तो गुरु क्या करता है धर्म संस्कार इसको बढ़ाता है इस बजट में धर्म और धर्म के प्रति टूरिज्म को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देता है आप देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण हो चुका है जी। आगे काशी और बनारस में क्या होता है भगवान जाने थ्री सेवेंटी का सिस्ट जो सिस्टम है वो भी पूरी तरह से सफल हो चुका है जे एंड के में वापस टूरिज्म शुरू हो चुका है और हिमाचल में आप एड्स देखते हैं हर तरफ से टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मोदी जी और मोदी जी की टीम जो है वो देती हुई दिखाई देती है अब बात करते हैं शनिदेव की मेटल आपने देखा होगा पिछले तीन महीनों में मेटल इस तरह से शेयर मार्केट में बड़ा है मेटल की स्क्रिप्ट हैरान कर देने वाली है मेटल को लेकर हमारे देश में एक क्रांति आ सकती है और मेटल हर चीज़ में लगता है इसलिए मेटल के साथ में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश में मेटल प्रोडक्ट्स को मिलती हुई दिखाई देती है फिर वहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं शुक्र और शनि दोनों इकट्ठे होने से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी उछाल नज़र आएगी जितनी छोटी छोटी कंपनियाँ निचले स्तर पर आ गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट और सरिया इन इस इस लाइन में भी एक बड़ी बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी इसलिए जितने भी लोग इस वक्त लेबर कम्युनिटी में तंग आ चुके थे आप देखेंगे कि बजट में लेबर और किसानों के लिए एक नई राशि का नया अनुदान मोदी जी घोषित करेंगे जिससे किसान भी प्रसन्न होगा और हमारा लेबर भी प्रसन्न होगा तो ये क्रांति जो है क्योंकि मंगल इस वक्त मेष राशि में स्वग्रही है इस तरह की उछाल बजट में आपको मिलेगी और बहुत बड़े अनुदान और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं इस बजट में आपको देखेंगे बड़े बड़े अर्थ अर्थ जितने भी फाइनेंशियल चैनल्स हैं उनमें दिखाया जाता है कि बजट को आप कितने नंबर दोगे अगर मैं यहाँ पर आपने इस बजट को बल्कि अभी तक सब कुछ निर्मला सीतारमन के पिटारे में है मगर भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम कौशलम भाग्य पढ़ता हूं मैं नौ ग्रह बारह राशियां सत्ताईस नक्षत्र को देखकर बोलता हूं कि मैं इस बजट को सौ में से नब्बे नंबर देता हूं और यह बजट आम आदमी के लिए एक नई खबर लेकर आएगा आम आदमी के लिए औरतों के लिए गरीबों के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए इस बजट में एक स्पेशल प्रावधान आपको मिलेगा हो सकता है आप ये कहें कि अगले पिछले पंद्रह साल में ऐसा बजट नहीं आया क्या बात है मतलब यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाला जो बजट है 2021 का वो आम आदमी के लिए बनाया जाने वाला बजट हो सकता है जिससे हम सबका फायदा हो उसके और हमारा नजर तो जरूर बना रहेगा लेकिन साथ ही साथ बात करते हैं हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष की कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष जैसे हमें पता है फिलहाल सोनिया गांधी जी है और अभी कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आ रही है कि शायद सुशील कुमार शिंदे जी आ, वहां पे उसका मशाल पकड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का लेकिन क्या ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है या फिर उन्हीं की जो पुत्री है प्रियंका गांधी ये अध्यक्ष बना बनती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की क्या कहना है आपका पंडित जी देखिए जो भी खबर हमने आज सुनी कि सुशील कुमार शिंदे मैंने अभी न्यूज़ चैनल पे देखा कि सुशील कुमार शिंदे जो हैं हो सकता है अगले कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं एक बात की मैं यहाँ पर बधाई देना चाहता हूँ सोनिया जी को कि जिस तरह उन्होंने मुंबई में दो अध्यक्ष चुने हैं एक भाई जगताप और एक चरण सिंह सापरा जी इन दोनों ने डेफिनेटली कांग्रेस को एक पुनर्जन्म दिया है और ये दोनों इतना परिश्रम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस वापिस कहीं ना कहीं जो बिल्कुल डूब चुकी हुई पार्टी मुंबई में दिख रही थी वो अभी तैरती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का झंडा जो है वापिस इन दोनों ने उठाया है और आगे अच्छा काम करेंगे अब आपने कहा कि क्या सुशील कुमार शिंदे या कांग्रेस परिवार गांध को गांधी परिवार कहा जाता है गांधी परिवार से बाहर सुशील कुमार शिंदे जो हैं वो कांग्रेस uh, uh, के अध्यक्ष, अध्यक्ष बन सकते अध्यक्ष, हैं उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सुशील कुमार शिंदे जी की कुंडली में कांग्रेस अध्यक्ष बनना शायद इस वक्त नहीं लिखा है अगले एक साल तक आगे जान आने वाले दिनों में सुशील कुमार शिंदे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं मगर अध्यक्ष बनने की संभावना बहुत कम है अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की राहुल गांधी की कुंडली की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उन्होंने चार स्टेट कांग्रेस को लाकर दी उसमें मध्य प्रदेश चला गया मगर कहीं ना कहीं पंजाब छत्तीसगढ़ और चार स्टेट में राहुल गांधी जीते थे और कहीं ना कहीं परिश्रम करने में वो भी कम नहीं है मगर कुछ वाणी और कुछ बातों से उनको लोग जो हैं नकार देते हैं इस वक्त अगर हम कांग्रेस की कुंडली का और सोनिया जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सोनिया जी की कुंडली में केतु की महादशा में उनका आजार बहुत बढ़ गया था और इस वक्त उनकी शुक्र की महादशा शुरू हुई है कहीं ना कहीं शुक्र की महादशा में अगले 40 से 60 दिनों में या मैक्सिमम 2 मई तक ये ये डिसीजन हो सकता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा मगर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष चुनेगी जैसे मैंने महिलाओं की बात की कमला हैरिस की बात की गोपी गोपी एक लेडी है उन उनकी बात की तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो है हो सकता है अचानक क्योंकि उनकी कुंडली जब मैं देखता हूँ 12 जनवरी उन्नीस में उनका जन्म हुआ है और इस वक्त मिथुन लगन है उनका और मिथुन लगन के साथ मीन राशि है मंगल की महादशा 2018 से 2025 तक लगी हुई है अगले तीन से छह महीनों में यह पॉसिबल हो सकता है कि हमारी नई अध्यक्षा जो है वो प्रियंका राजीव गांधी यानी प्रियंका वडेरा हो कहीं ना कहीं उनके योग जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं और उनकी कुंडली में इस तरफ जो मंगल की महादशा लगी है मैं तो यहां कांग्रेस को एक सलाह देने की चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो मंगल की महादशा में अगर प्रियंका गांधी के हाथ में बागडोर कांग्रेस की पकड़ा दी जाती है तो भारत में कांग्रेस के लिए एक नई क्रांति शुरू हो सकती है मगर आने वाले दिनों में चेंजेस डेफिनेटली नजर आती हैं। चालीस से साठ दिनों में अगर गांधी परिवार से कोई बाहर अध्यक्ष बनता है जिसके बहुत कम चांसेस हैं वो महाराष्ट्र से नहीं होगा वो साउथ से हो सकता है ये तो आने वाला वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है है हमारे आखरी सवाल का और वो ये है कि अभी जो कमोडिटी मार्केट है शेयर मार्केट है उसकी परिस्थिति आपको कैसी दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए पंडित जी देखिए ऐसा है कि शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट ने कल परसों यानी गुरुवार को एक नई ऊंचाई पचास हजार एक सौ में आपको यहां बोलकर गया था उसमें भी लोगों ने हमारा अभिनंदन किया मैं धन्यवाद करता हूं आभार प्रकट करता हूं पचास हजार एक सौ का आंकड़ा शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने टच कर लिया परसों और आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो एक बड़ी शेयर मार्केट में नजर आती है चौबीस तारीख को बुध वक्री हो रहा है इसलिए हो सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निचलतम स्तर जो है फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड हो जाए और आगे क्योंकि हर हम हर हफ्ते मिलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों मगर इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मार्केट के गिरने के आसार ज्यादा हैं बढ़ने के आसार कम हैं हाँ ऊपर का स्तर वापस 49,700, 800, 50,000 तक हो सकता है मगर 45,800 का एक सूचकांक पकड़ कर चलिए 14,700 के ऊपर निफ्टी चली गई ऊपर का आंकड़ा 14,800 है निफ्टी का और नीचे का आंकड़ा 14,200 का मुझे दिखाई दे रहा है सोने के भाव में अचानक तेजी आ सकती है डेमोक्रेटिक जब आते हैं सोने के भाव में तेजी आ सकती है सिल्वर वापिस 70,000 छू सकता है और तेल में एक अचानक 60 डॉलर से बासठ डॉलर पर बैरल आपको दिखाई दे सकता है भारतीय बाजार में पांच का आंकड़ा तेल पार कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपने हमारे दर्शक का मार्गदर्शन इसके लिए आणि आता इथे वेळ झाली आहे राजमंत्र इथे इथेच मात्र तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र